शाखों पे खिलने लगे, तुम कहो जामरिंदों को मिलने लगे, तुम कहो चाक सीनों के सिलने लगे, तुम कहो चाक सीनों के, चाक सीनों के सिलने लगे, तुम कहो इस खुले झूठ को, जहन की लूट को। मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को। मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। उमर खालिद जेएनयू के पूर्व छात्र को आज जेल में 1000 दिन पूरे हो गए हैं। 2 साल 8 महीने और 24 दिन का ये वक्त इसलिए भी लंबा लगता है जब हम देखते हैं कि इस दौरान ना उनका ट्रायल हुआ है ना उनको जमानत दी गई है। आज प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में कुछ लोगों ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है जो कि सिर्फ उमर खालिद की रिहाई की बात नहीं करता है बल्कि सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई की बात करता है। पहले ये कहा जाता था कि बेल एक रूल है और जेल एक अपवाद है, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि अब जेल में डालने को रूल बना दिया गया है और सरकार ताकि और लोगों को जेल में डाल सके तो नए कानून भी ला रही है और कानूनों में अपने मन मर्जी से फेरबदल भी कर रही है। यहाँ मौजूद लोगों ने यही कहा है कि आने वाले समय में और भी लोगों को उमर खालिद की ही तरह जेल में डाला जा सकता है। देखिए न्यूज़ क्लिक की ये रिपोर्ट। हाँ तो ठीक है, जेल भी भुगत लेंगे। भगत सिंह भी तो गए थे जेल, उनकी उनकी आने वाली पीढ़ियां क्या क्या ऐसे ही खाली बैठे रहेंगी। पर वैसे भी आप लोगों के पास कोई सबूत तो है नहीं मेरे खिलाफ, कहां से बना लोगे सबूत? हमने पिछले 9 सालों के दौरान राज्य की हिंसा करने की क्षमता को बदलते हुए देखा है। अब राज्य अपनी पार्टी, गोदी मीडिया और आईटी सेल के जरिए आप पर मानसिक हिंसा करता है, आपको बदनाम करता है। और इसकी शुरुआत अगर ठीक तरीके से देखी जाए, संगठित तरीके से देखी जाए, तो उमर खालिद से होती है। जब वो अनजाने में उन टीवी चैनलों के स्टूडियो में चले गए इस उम्मीद में कि इन चैनलों के जरिए किसी की बात रखी जाती है, किसी का पक्ष रखा जाता है, मगर जब तक वो जाते तब तक चैनलों ने अपना रुख हमेशा हमेशा के लिए आने वाले 10-12 साल और न जाने और कितने साल के लिए बदल लिया था। तो उस गोदी मीडिया आईटी सेल पॉलिटिकल पार्टी के जरिए एक पीएचडी के छात्र को देशद्रोही के रूप में स्थापित कर दिया गया, समाज की नजर में उसे कमजोर कर दिया गया जो पहले से ही कमजोर था। हमारी आपकी तरह पढ़ने लिखने वाला एक लड़का था जो नहीं जानता था कि उसके पीछे इतनी तैयारी से सिस्टम ने हमले के सामान जुटा लिए। दूसरा तरीका राज्य ने अपनी हिंसा का ये बदला, ये आप सभी जो सुन रहे हैं उसे समझना भी चाहिए कि पहले राज्य कानून की धाराओं की आड़ में छिपकर हिंसा करता था, लेकिन अब हिंसा करने के लिए वो कानून बनाने लगा है ताकि वो खुलकर हिंसा कर सके। यू प्रॉब्ली नो दैट देयर इज अ केस पेंडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट ऑन हेट स्पीचेस, द प्रॉब्लम ऑफ हेट स्पीच। एंड रिपीटेडली वी हैव बीन गोइंग बैक टू द सुप्रीम कोर्ट सेइंग कि भाई बार बार ये जो धर्म संसद हो रहा है, बार बार ये जो रैलीज हो रही हैं जिनमें हेट स्पीचेस हो रही हैं, तो इनका कुछ कीजिए। और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है टू पुलिस अक्रॉस द स्टेट्स that stop this from happening, stop these hate speeches from happening. उसके बावजूद हुई धर्म संसद, तो हम लोग गए दरोगा जी के पास कि भाई आप क्यों नहीं रोक रहे हैं। तो दरोगा जी कहते हैं कि मैडम इसमें लॉ एंड ऑर्डर तो नहीं खराब हो रहा है। तो हम लोगों ने कहा कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर नहीं खराब हो रहा है, बार बार हेट स्पीचेस हो रही हैं, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। तो दरोगा जी बोले कि मगर लॉ एंड ऑर्डर का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर हेट स्पीच हो रही है, अगर मुसलमानों को कुछ कहा जा रहा है तो 10-20 लोगों को बुरा लगता है, वो पेटिशन बना के भेजते हैं, वायर में ऐसे लिखते हैं, इसमें लॉ एंड ऑर्डर का क्या प्रॉब्लम है। हम लोगों ने कहा कि डिस्क्रिमिनेशन का प्रॉब्लम है भाई, मार्जिनलाइजेशन का प्रॉब्लम है। तो दरोगा जी ने कहा कि मैडम वो तो मेरा वो नहीं है मैंडेट, मेरा तो लॉ एंड ऑर्डर है, मगर जहाँ पर डिसेंट की बात होती है वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होता है। Because for the
for the inspector, for the sub-inspector, it's a simple mathematical problem. कि जब ज्यादा लोगों को बुरा लग रहा है, जब आप गवर्नमेंट की बुराई कर रहे हैं, जब आप the leader who may not, who should not be named, उनके बारे में कुछ कह रहे हैं, anti-majoritarian बात कर रहे हैं, तो ज्यादा लोगों को बुरा लगेगा और ज्यादा लोग आएंगे आपको रोकने, तब लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होगा. आप जब हेट स्पीच दे रहे हैं, आप जब दलितों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो किसी को बुरा नहीं लग रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम नहीं है. डिस्क्रिमिनेशन का प्रॉब्लम है, हुआ करे. मार्जिनलाइजेशन का प्रॉब्लम है, हुआ करे. सो इट्स अ सिंपल मैथमेटिकल प्रॉब्लम फॉर इट्स अ सिंपल मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव. ही लुक्स एट इट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, कि जब 10 लोग आके खड़े हो जाएंगे, देन आई विल हैव टू डू समथिंग. So all the thana in charges and sometimes the courts have learned to heed the heckler's veto, and they've forgotten that law and order must always be tempered with democratic rights, with equity and justice. Now it's a question of simple law and order. Jin logon ne ye soch kar UAPA laga kar hamare in naujawanon ko jail ki salaakhon ke piche dhakel diya hai, मैं उनसे मिलता हूं. जब वो कोर्ट में आते हैं तो उनके चेहरे पे एक कॉन्फिडेंस होता है, कोई इस्तराब नहीं, कोई बेचैनी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं. वो ये समझते हैं कि उन्होंने एक कास की लड़ाई लड़ी थी और उसकी वजह से अगर जेल में डाला गया तो हमें कोई परवाह नहीं. अगर हमारी नई नस्ल, हमारी नौजवान, हमारी नई जनरेशन के अंदर ये हौसला पैदा हो जाए, तो मैं समझता हूं कि जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं, जो ये ख्वाब देख रहे हैं कि अब उनको कोई हटा नहीं सकता, तो उन्हें समझ लेना चाहिए कि उनके दिन भरने वाले हैं. ये कहा गया कि जिस वक्त दिल्ली के दंगे हुए थे, उमर खालिद दिल्ली में नहीं था, तो पुलिस से ये आर्गुमेंट आता है कोर्ट के अंदर, नहीं उसके लिए दिल्ली में होने की क्या जरूरत है. 9/11 जिन लोगों ने किया था वो अमरीका न्यूयॉर्क में नहीं थे, वो तो मलेशिया में बैठे हुए थे. तो साइलेंट. फिर ये कहा कि जिस व्हाट्सएप ग्रुप का आप बुनियाद बना रहे हैं उसमें तो उमर खालिद का कोई रोल ही नहीं है, कहीं खामोश बैठा है. तो कहने लगे साइलेंट कॉन्स्पिरेटर था. जो आदमी दिल्ली में मौजूद नहीं है और जो आदमी अमरावती के अंदर एक भाषण देता है वेलफेयर पार्टी के प्रोग्राम में, उससे एक जुमला निकालकर कोर्ट में पेश करती है पुलिस कि देखिए यह है आतंकी उमर खालिद, आवाज दे रहा है कि ट्रंप आएंगे तो मैदान सड़कों पर आ जाएगी. हमारे वकील ने जब वो पूरी तकरीर को, पूरी स्पीच को 20 मिनट की कोर्ट में रिले सुना दिया, आप बताइए, जो आदमी गांधी की बात कर रहा है, जो आदमी प्यार की बात कर रहा है, जो आदमी कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है, उसको आप कह रहे हैं कि वो लोगों को भड़का रहा है, तो अब वो खामोश हो गए. और ये आप जानते हैं कि 17,000 पेजेस की चार्जशीट, फिर सप्लीमेंट्री चार्जशीट, फिर सप्लीमेंट्री चार्जशीट, चाहे इतनी चीजें भर दो उसके अंदर ताकि कोर्ट को भी मौका नहीं मिले पढ़ने का और वकीलों को बहस करने के लिए मुश्किल कर देते. मैं ये कहना चाहता हूं उमर खालिद और हमारे ये नौजवान हमारे देश का असेट है, इसलिए नहीं कि वो मेरा बेटा है. मैं जानता हूं ये देश के 1000 दिन उमर खालिद ने वेस्ट नहीं किए हैं. 100 छोटी बड़ी किताबें उसने पढ़ ली है कोर्ट के अंदर. ये जो हजार दिन है, एक दोस्त की कमी तो है, क्योंकि जब उमर बाहर था तो पर्सनल लाइफ में और उसके साथ साथ एक पॉलिटिकल लाइफ में भी उसका काफ़ी कंट्रीब्यूशन था. हम सब की लाइफ में, हम सब की जो पॉलिटिकल लाइफ है उसमें उमर का काफ़ी कंट्रीब्यूशन था, चाहे वो प्रोटेस्ट में हो, CNRC प्रोटेस्ट में हो, या फिर डे टू डे लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलता है उससे. तो वो कमी तो खलती है जब कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जब ऐसा लगता है कि बिल्कुल होपलेस हो गए हैं, समझ नहीं आता है कि क्या करें, तो उस टाइम पे एक ऐसा दोस्त चाहिए होता है जो आपको लगातार होप देता रहे. और उमर वो दोस्त होता था जो हमें लगातार होप देता रहता था, और अभी भी वो जेल के अंदर है फिर भी वो एक ऐसा दोस्त है जो हम सबको होप देता है जेल के अंदर से भी, कि मतलब ये गम के और चार दिन है, चले जाएंगे. तो अभी जेल के अंदर से भी ही इज़ द मोस्ट होपफुल फ्रेंड हम सब में, जेल के अंदर भी. तो ये कमी तो बिल्कुल खलती है, उसके होप की कमी तो ज़रूर खलती है. बट मुझे लगता है कि उसके होप को तोड़ नहीं पाएंगे ये लोग, कभी नहीं तोड़ पाएंगे. उसके अंदर इतनी होप है, इतनी उम्मीद है, वो कभी नहीं तोड़ पाएंगे. हज़ार दिन, इसके बाद और भी हज़ार दिन हो जाएं, वो उसके अंदर की होप को कभी नहीं तोड़ पाएंगे. मतलब मैं उसको कहता हूँ कि रिडिकुलस होप है उसके अंदर, वो कभी नहीं तोड़ पाएंगे उमर के होप को. मैंने कहा कि ये डेमोक्रेसी की माँ है, लेकिन माँ बड़ी बीमार चल रही है.
और इस मां को 9 वर्षों में खास तौर पर इतना बीमार कर दिया गया है कि आप इसको अ फिट केस ऑफ मल्टीपल ऑर्गन फेलियर ले सकते हैं। हमारे यहां बड़े खूबसूरत जजेज हैं, बड़े विचारवान, बड़े निष्ठावान, लेकिन अक्सर वो सेमिनार में निष्ठा दिखाते हैं, विचार उनके सेमिनार में दिखते हैं तो लगता है कि काश ये तो बदल के रख देंगे हमारे देश को, लेकिन जब मैं जजमेंट देखता हूं तो वो मोहब्बत मिसिंग लिंक होती है, वो जुबान मिसिंग लिंक होती है, चाहे इससे पहले वाले हों या आज वाले हों। वो मेरा भी दोस्त है और था, और बहुत से लोग जो जेल में हैं अभी इस वक्त वो मेरे घर में आए हैं, वो मेरे दोस्त हैं। और इसका एक एक क्या होता है कि एक दूसरा किस्म का अंडरस्टैंडिंग हो जाता है, यू नो द पर्सनल इज द पॉलिटिकल, वो एक फेमिनिस्ट मूवमेंट का एक स्लोगन हुआ करता था, लेकिन अब हम में से कम ही लोग हैं, जैसे जो लोग यहाँ पे हैं, जो अपने पर्सनल मामले में शादी हो या दोस्ती हो या किसी का मौत हो या किसी का कुछ खुशखबरी हो, उतना ही पर्सनल है हमारे लिए इस देश का पॉलिटिक्स। देखिए, हमें पता है कि ये केस पूरी तरीके से पॉलिटिकल केस है, अगर लीगल केस होता तो ख़त्म हो जाता अब तक। ये FIR जब फाइल हुआ था तब बेलेबल सेक्शंस था, फिर अपनी मर्जी से पुलिस पहले इसको नॉन बेलेबल किया, फिर UAPA लगाया और एक टेरर केस में तब्दील हो गए। तो इट्स अ पॉलिटिकल केस। अब व्हेन इट इज़ अ पॉलिटिकल केस, द आउटकम ऑफ लॉ वो तो लार्जर कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंडेंट है ना, और तो इसीलिए ये संघर्ष एक लीगल संघर्ष से ज़्यादा एक पॉलिटिकल संघर्ष है। अब जब ये पॉलिटिकल संघर्ष है तब हम तो इसको हार नहीं सकते हैं, हारने से पहले तो इसको हार नहीं सकते हैं ना, तो इसीलिए होप बरकरार रखना, क्योंकि देखिए देश में भी तो एक पॉलिटिकल माहौल भी बहुत एक डिस्टोपिक माहौल है, लेकिन क्या हम संघर्ष बंद कर दिए, क्या हम मतलब इतने कुछ के बावजूद तो हम लड़ ही रहे, आज भी जो इतना लोग यहाँ पे आए थे वो सारे तो उस लड़ाई के ही पार्ट है, तो क्योंकि ये लड़ाई जारी है इसीलिए वी डोंट गिव अप ऑन होप, दैट इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर अस। और मतलब रही बात खुश रहने की, वो भी एक चैलेंज है, बिकॉज द स्टेट वॉन्ट्स अस टू बी डाउन एंड डिप्रेस्ड एंड आउट, दैट्स अ चैलेंज, वी हैव टेकन दैट चैलेंज, दैट्स वाई वी डोंट वॉन्ट टू बी डाउन एंड आउट। येस, इट्स वेरी सैड, आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट सैड, सैड तो है मामला, पूरा मामला ही सैड है, मतलब ये दो साल 8 महीने कोई भी बेगुनाह को जेल में नहीं रहना था, लेकिन हम लड़ रहे हैं और क्योंकि ये लड़ाई का पार्ट है इसलिए हाँ, तो जब हम मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, तब हमारा हंसी मजाक भी चलती है। देखिए, उमर खालिद के ऊपर 2 केसेस थे, एक 101 था और एक UAPA था, UAPA FIR नंबर 59 है जो कि कॉन्स्पिरेसी की बात करती है। तो 101 जो केस बुक हुआ था उसमें उनको एक्विटल मिला उस पूरे केस में, और कहा गया कि ये जो है पहले बेल मिली और फिर कहा गया कि इसमें उनका कोई शामिल नहीं है, और वो धाराएं भी इस तरह पुलिस ने लगाई थी कि उमर खालिद ने वहां पहुंचकर पुलिस के ऊपर हमला किया, बल्कि उस डेट में उमर खालिद दिल्ली में ही नहीं थे। अब 59 की अगर बात करते हैं तो सब ने ये अपने आँखों से देखा कि किस तरह से लोगों का प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ था, CA के प्रोटेस्टर सरकार के खिलाफ इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे थे। अचानक कपिल मिश्रा जो है वो बीच की एक पार्टी पहुंचते हैं, पुलिस उनको देखते रहती है, वो धमकी देते हैं और किस तरह से जो है वो दंगे की शुरुआत होती है, तो इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी का एंगल ही नहीं नज़र आता। फिर पुलिस एक नई चीज़ लेकर आती है कि साहब वो ट्रंप के आने के लिए एक मीटिंग हुई थी, जबकि उस डेट में ट्रंप का प्लान ही नहीं अनाउंस हुआ था। तो बहुत ढेर सारी स्टोरीज सुनाई गई हैं, लेकिन जो डिले का टैक्टिक है वो किया जा रहा है लगातार। अभी ट्रायल नहीं चालू हुआ, 1.5 साल तकरीबन लग गए लोअर कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में वही जज जो 3 लोगों को ज़मानत देता है, पूरे इस प्रोसेस पे सवाल उठाता है, पूरी चार्जशीट पे सवाल उठाता है, वो इस पे बेल को डिनाई कर देता है। तो अब ये बेल हमने सुप्रीम कोर्ट में फाइल करी है, जुलाई 16 को हियरिंग होगी, फिर ये नतीजा मालूम चलेगा।